कि आपका पास भी हेडफोन है और वो हेडफोन के अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ अगर कोई प्रॉब्लम दे रही है, चाहे जैक वाला हेडफोन पर हो या फिर ब्लूटूथ वाला हेडफोन पर हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका हेडफोन पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रही है तो आप ही लोगों के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाली है हेडफोन्स की सेटिंग्स के बारे में, चाहे जैक वाला हो या फिर ब्लूटूथ वाला हो, हर कोई हेडफोन की सेटिंग्स के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सा प्रॉब्लम्स ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहला प्रॉब्लम्स यही है फोन कॉल्स मीडिया म्यूजिक के बारे में। मान लो आप लोग फोन कर रहे हो और आपका आवाज दूसरे के पास नहीं जा रही है, या फिर दूसरे का आवाज आपका पास नहीं आ रही है, या फिर आपका हेडफोन पर कोई साउंड ही नहीं हो रहा है, भाई यार क्या बताऊं। और उसके बाद अगर आपका वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपका वॉइस नहीं जा रही है, एंड इसके अलावा अगर आपका पास दो हेडफोन है, एक हेडफोन पर आवाज आ रही है, दूसरा हेडफोन पर आवाज नहीं आ रही है, या फिर आपका हेडफोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, भाई ये सब प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूं। एंड गाइस, इसके अलावा मैं आप लोगों को ब्लूटूथ हेडफोन रीस्टार्ट की बारे में बताऊंगा, ठीक है, मतलब सिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसी बात पे आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं लोग इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लूटूथ की हर एक सेटिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए गाइस, फटाफट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो मेनी वेलकम, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को बनना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पांच में जो बेल वाला आइकन आएगा उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, क्या होगा इस तरीके से लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ओके गाइस, तो एक एक करके मैं हर एक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास दो हेडफोन है, चाहे जैक वाला हो या फिर ब्लूटूथ वाला हो, और उसी हेडफोन के अंदर एक हेडफोन की आवाज आ रही है और दूसरा हेडफोन में आवाज नहीं आ रही है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन है तो सबसे पहले ब्लूटूथ को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैक वाला है तो कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और राइट साइड में टॉप कॉर्नर में देख पा रहे हो एक सेटिंग वाली आइकन, तो सिंपली आप लोगों को सेटिंग वाली आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब अपना सेटिंग पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और अपना सेटिंग पर जाने के बाद आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी ढूंढना है, ठीक है, आपका फोन पर सेटिंग पर कहां पे एक्सेसिबिलिटी है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो मेरा एक्सेसिबिलिटी। और अगर आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी सेटिंग नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहां पे सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा ACCESSIBILITY, एक्सेसिबिलिटी करके सर्च करना पड़ेगा, जो कि स्पेलिंग आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, ठीक है। और ऐसे करने के बाद सिंपली सर्च करना पड़ेगा, और सर्च करने के बाद एक्सेसिबिलिटी आ जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो मेरा दो नंबर पर है, मतलब सेकंड नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। और एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोगों को स्क्रॉल करना है, ठीक है, स्क्रॉल करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा ऑडियो बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ब्लू टाइप का कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको राइट पे क्लिक करोगी, मतलब ब्लू वाले को अगर राइट वाले पे यहाँ पे लेके आओगी, तो राइट वाला जो हेडफोन है उस हेडफोन पर आवाज नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसको आप लोगों लेफ्ट पे करोगी तो लेफ्ट में जो हेडफोन है उस हेडफोन पर आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो यही है लेफ्ट और राइट की मसाला, मतलब ये अगर ब्लूटूथ को लेफ्ट पे लेके आओगी तो लेफ्ट वाले जो हेडफोन है उस हेडफोन पर आवाज नहीं आएगी, अगर इसको राइट पे क्लिक करोगी तो राइट पर जो हेडफोन है वो इस हेडफोन पर आवाज नहीं आएगी, अगर इसको मिडिल पे रखोगी तो दोनों हेडफोन में सेम टू सेम आवाज आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑडियो बैलेंस को सिंपली यहां पे मिडिल पे रखना है, अगर आप लोग मिडिल पे रखोगी तो दोनों हेडफोन में सेम टू सेम आवाज आएगा, ठीक है। और गाइस, ये सब करने के बाद अगर आपका हेडफोन फिर भी सही नहीं हो रहा है तो भाई आपका हेडफोन ही खराब है यार। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये टॉपिक उन्हीं लोगों के लिए है जिसका पास ब्लूटूथ हेडफोन है, ठीक है, ब्लूटूथ हेडफोन यूजर्स के लिए ये टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लूटूथ को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ब्लूटूथ को इसके दबा के रखना है, दबा के रखने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेटिंग का ऑप्शन देने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा पे सेटिंग में क्लिक करते ही, तो क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है फोन कॉल्स की, और दूसरा ऑप्शन है मीडिया ऑडियो की, एंड तीसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस की, मतलब ये सबको आप लोगों को ऑन रखना है, ठीक है। अगर ये सबको ऑन रखोगी तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देगा, ना ही फोन कॉल का कोई प्रॉब्लम दिखाई देगा, ना ही मीडिया ऑडियो का कोई प्रॉब्लम दिखाई देगा। जैसे कि मतलब आप लोग कॉल कर रहे हो, ठीक है, आपका वॉइस दूसरे के पास नहीं जा रही है, या फिर दूसरे का वॉइस आपके पास नहीं आ रही है, तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करना है, फोन कॉल्स को ऑन करना है, ठीक है। मान लो आप लोग म्यूजिक सुन रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख पा रहे हो, उसका आवाज नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या है, मीडिया ऑडियो है, तो मीडिया ऑडियो को आप लोगों को ऑन करके रखना है, ठीक है। और तीसरा नंबर पर ये इनपुट डिवाइस, इसको आप लोग ऑफ करोगे तो आपका डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ओके गाइस, तो अभी हम लोग बात करने वाली है ब्लूटूथ हेडफोन रीस्टार्ट की बारे में। अगर ये सब करने के बाद आपका ब्लूटूथ हेडफोन फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर आवाज नहीं आ रही है, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी भी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लूटूथ हेडफोन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और ये ब्लूटूथ हेडफोन रीस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लूटूथ हेडफोन हाथ में लेना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को तीन बटन दिखाई देगा, ठीक है। पहले तो प्लस वाली और मिडिल में तो पावर वाली और नीचे तो माइनस वाली, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिडिल में जो पावर वाली बटन देख पा रहे हो ना और उसके नीचे जो माइनस वाली देख पा रही, ये दोनों को बटन को एक साथ दबा के रखना है, ठीक है। पावर वाली और माइनस वाली इन दोनों को एक साथ दबा के रखना है और यहाँ पे रेड लाइट जला देगा, ठीक है। और रेड लाइट जलने के बाद ये बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग ब्लूटूथ हेडफोन रीस्टार्ट कर सकते हो। और गाइस, अगर आपका ब्लूटूथ मेरा ब्लूटूथ से मैच नहीं हो रहा है, मतलब मेरा जो कंपनी है ना तो आपका अलग कंपनी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आपका अलग कंपनी का ब्लूटूथ है तो आप लोगों को पावर वाली बटन और प्लस वाली बटन जो देख पा रहे हो ना, इन दोनों को एक साथ दबा के रखना है, ठीक है। और ये दोनों को 10 सेकंड तक ऐसे दबा के रखना है और यहाँ पे रेड सिग्नल दिखाई देगा और रेड सिग्नल दिखाई देने के बाद ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और उसके बाद आपका ब्लूटूथ हेडफोन रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका ब्लूटूथ हेडफोन एक बार रीस्टार्ट हो गया तो मान लो सारा प्रॉब्लम दूर, ठीक है। और गाइस, मैंने जो स्टेप बताया, जो सेटिंग्स बताया, अगर आप लोग ये फॉलो कर लिया तो आपका हेडफोन सही हो जाएगा। इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका हेडफोन फिर भी सही नहीं हो रहा है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके मैसेज कर सकते हो। और गाइस, यहां पे आप लोगों को दो वीडियो देखने के लिए मिल रहा होगा। पहला वीडियो यही है कि आप लोग एक रिचार्ज करके 10 रुपए कमा सकते हो और दूसरा वाला वीडियो यही है आधार कार्ड से रिलेटेड वीडियो, ठीक है। आप लोगों को पहला वाला वीडियो पे क्लिक करना है और एक जियो रिचार्ज करना है और 10 रुपए कमाना है, ठीक है। अगर आप लोग आधार कार्ड का डिटेल जानना चाहते हो तो दूसरा नंबर वीडियो पे